आप देख रहे हैं पी न्यूज उत्तर प्रदेश, खबरों का बादशाह। को हराना है और देश को बचाना है। इस कोरोना महामारी के बीच डॉक्टर्स ने लोगों की जान बचाई है, इसलिए डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए ये कोई ना कोई रिसर्च करते ही रहते हैं। फरकाबाद में ऐसे ही डॉक्टर्स की एक टीम ने इस महामारी को टक्कर देने के लिए एक आयुर्वेदिक औषधि का दावा किया है। फरकाबाद में नवाबगंज के डॉक्टर सुनीता हॉस्पिटल के चेयरमैन डॉक्टर शैलेंद्र व डॉक्टर सुनीता यादव चेयरपर्सन जेएस ग्रुप डॉक्टर राहुल शर्मा व उनके सभी साथी कोरोना महामारी के बीच हम लोगों के सामने एक आयुर्वेदिक औषधि का दावा कर रहे हैं, जिसका नाम आयुष काढ़ा है, जो कोरोना से लड़ने की ताकत रखता है। डॉक्टर राहुल का कहना है कि कोई भी व्यक्ति आयुष काढ़ा का सेवन करता है तो उसके अंदर कोरोना के लक्षण खत्म हो जाते हैं। आयुष काढ़ा के अंदर तुलसी, काली मिर्च, दालचीनी और सौंठ, इन चार चीजों को मिश्रित करके यह काढ़ा तैयार किया गया है। आयुष काढ़ा बनाने की विधि, 2 कप पानी में 1 चम्मच डालें और उसे उबालने के लिए रख दें और तब तक उबालें जब तक 2 कप पानी आधा कप ना रह जाए। आयुष काढ़ा को सुबह शाम पीने से इंसान के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है, जिससे कोरोना के लक्षण खत्म हो जाते हैं। यही नहीं, डॉक्टर राहुल जी का कहना है कि हम और हमारी टीम शहर और गांव-गांव जाकर लोगों तक आयुष काढ़ा पहुंचाना हमारा उद्देश्य है, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की सहायता कर सकें। फरकाबाद से हरप्रभात सिंह की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, जो आप आयुर्वेदिक मेडिसिन जो बता रहे हैं और इसके इतने दावे बता रहे हैं, तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, वो बताएंगे आप जी? इसका मेन उद्देश्य जो है, वो जो हमारा COVID-19 जो वायरस आज तक चल रहा है, इसको हम कोरोना के नाम से जानते हैं, नोवल वायरस है, उसमें जो इफेक्ट जो बॉडी में कर रहा है, जो उसके लंग्स को जो इफेक्ट कर रहा है, जिसके कारण उसके रोगी की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है, इम्यूनिटी पावर बोलते हैं इसे, वो जो लॉस हो रही है, खत्म हो रही है, जिससे कि रोगी की जो रोग से लड़ने की क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो रही है, जिसके कारण रोगी के ऊपर वायरस का इफेक्ट जो है वो ज्यादा हो जाता है। तो उस इफेक्ट को कम करने के लिए और रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए हमने इस काढ़े का निर्माण किया है, क्योंकि भारत सरकार आयुर्वेद मंत्रालय के द्वारा जो डोज बताई गई है, जितनी मात्रा बताई गई है, उसके अनुसार इसको हमने पूरा बनाया है। जो हमारे श्री बाबू सिंह जयसिंह आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज भाऊपुर फतेहगढ़ फरकाबाद के माध्यम से जो हमारे चेयरमैन सर हैं डॉक्टर शैलेंद्र यादव और डॉक्टर सुनीता यादव चेयरपर्सन, उनके माध्यम से इसको हम वितरित कर रहे हैं, क्योंकि हमने शहर के अन्य संस्थाओं में और जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं, जैसे कि हमारे जिलाधिकारी श्री मानवेंद्र सिंह जी और जो है पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार मिश्रा जी और हमारा नवाबगंज का जो गोलकर थाना और इत्यादि, हम जो है सभी प्रशासनिक अधिकारियों को अभी इसका वितरण कर रहे हैं। उसके बाद में हम एक मुहिम चलाएंगे, क्योंकि हम हर गांव-गांव जाकर के और ग्राम प्रधानों के माध्यम से वहां जनता को इकट्ठा करके हम उसको बांटेंगे जी। ये जो हमारा ये आयुष काढ़ा नाम से ये जो हमने बनाया है, ये एक तरीके से एक आयुर्वेदिक औषधि है। इस आयुर्वेदिक औषधि के अंदर हमने 4 चीजों का निर्माण किया है, 4 चीजें हमने डाली है। इसमें पहली चीज है तुलसी, दूसरा है दालचीनी, तीसरा है इसमें शुंठ, इसको सूखी हुई सौंठ कहते हैं, और चौथी चीज है काली मिर्च। इन 4 चीजों को हमने इसके अंदर लिया है। चारों ही चीजें सूखी ले लेते हैं नॉर्मली, और लेकिन सबकी मात्रा जो है थोड़ी वो अलग अलग है। इसमें हमने जैसे काली मिर्च है वो हमें लेनी 1 भाग यानी कि 10 ग्राम, उसके बाद हमें शुंठ लेनी है सूखी हुई सौंठ, वो हमें लेनी 20 ग्राम, इसके बाद हमें लेना है दालचीनी, दालचीनी हमें लेना है 20 ग्राम, यानी कि दालचीनी और सौंठ ये दोनों 20-20 ग्राम, और आपका काली मिर्च है वो 10 ग्राम, और चौथी चीज आपकी रहेगी तुलसी के सूखे हुए पत्ते। अगर सूखे हुए तुलसी के पत्ते नहीं मिलते हैं तो हम तुलसी का पंचांग भी ले सकते हैं और उसको हम 4 भाग लेते हैं यानी कि 40 ग्राम। तो इस हिसाब से हमारा 40 ग्राम तुलसी के पत्ते, 20 ग्राम सौंठ, 20 ग्राम दालचीनी और 10 ग्राम काली मिर्च, इस तरीके से 90 ग्राम की हमारी औषधि बनके तैयार होती है, जो कि हमें चारों चीजें सूखी लेनी है और सूखी चीजों को लेकर के हमें चारों चीजों को मिक्सअप कर लेना है, और उसके बाद हमें इसकी एक व्यक्ति के लिए जिसकी सामान्य मात्रा है वो 3 से 6 ग्राम, इसको बनाने की जो विधि है वो इस प्रकार से है, इसके लिए हम 2 कप पानी लेते हैं और 2 कप पानी में हम इसको 3 से 6 ग्राम की मात्रा डाल करके उबालते हैं। जब आधा कप शेष रह जाती है औषधि, तब उसको हम एक व्यक्ति के लिए सामान्य मात्रा में पीने के लिए देते हैं। एक व्यक्ति इसको सुबह शाम 2 बार में इसको प्रयोग कर सकता है। ये इसकी समझ दी है।